हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेबी सनरोज के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट है बेबी सनरोज का, जो मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है बेबी टीयर्स के साथ। ये इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं। ये रेड फ्लावर्स पिंकिश रेड कलर के हैं। तो फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम है एप्टेनिया कॉर्डीफ्लोरिया, और ये मेसेंथेमम कॉर्डीफोलियम स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, आइस प्लांट फैमिली से। और इसको हम बेबी सनरोज कॉमनली इस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये सकलेंट वैरायटी का है, और ये एक उसकी तरह हैंगिंग की तरह रहता है, क्रीपिंग और शॉर्ट लिव्ड होता है। और इसके जो लीव्स हैं आप देख सकते हैं, फ्लैशी काइंड ऑफ होते हैं, वाटर होता है इसमें स्टोर, जैसे सकलेंट्स होते हैं। तो ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करता है, और बाकी ये हॉरिजॉन्टली फैलता है। तो ये बेस्ट है हैंगिंग के लिए या फिर ग्राउंड को कवर करने के लिए बॉर्डर्स पे। फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग से लेके फॉल तक ब्लूम करते हैं, और विंटर में थोड़ा ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो आपको उस टाइम इसका ध्यान रखना है, वाटरिंग कम करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लीव्स में बहुत मॉइस्चर रहता है, तो मॉडरेट वाटरिंग करनी है। जब टॉप सॉइल जो है इसकी ड्राई हो जाए तभी इसको पानी दीजिए। ये देखिए, ये वाली जैसे स्टेम है, ये सिर्फ इसमें से सभी लीव्स गिर गए हैं, ऊपर एक लीव आ रहा है, तो इसकी वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। ये पेरिनियल प्लांट है, और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी मार्केट में अवेलेबल है, बट ये मेरे पास अभी जो है नॉर्मल वाली वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है ये हार्डी होती है, जो हमारी हार्श विंटर्स हैं उसको भी ये सर्वाइव कर जाता है। इस प्लांट में मैक्सिमम ब्लूम आप फुल, अगर आप इसको फुल सन में रखेंगे तो आपको इसका मैक्सिमम ब्लूम मिलेगा। फ्लावर्स जो हैं वो धूप में ज़्यादा खिलते हैं इसके, और अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो आप इसको पार्शियल सन में रखें या फिर शेडी एरिया में रखें, बट जो ब्लूमिंग है वो सनलाइट प्रॉपर मिलने पे ही होती है इसकी। पानी इसको फ्रेंड्स कम देना है, जब टॉप सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए तभी इसको वाटरिंग करिए। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो है वो रॉट कर जाता है। और इसको क्लोज्ड उसमें ही ग्रो कीजिए, अदरवाइज़ ये जो है ओवरग्रोन भी हो जाता है और काफ़ी फैल जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम केयर में ग्रो हो जाता है ये। डिजीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका मेन डिजीज़ तो रूट इसकी स्टेम रॉट ही है। अगर आप इसको पानी ज़्यादा दे दें या फिर जो सॉइल है उसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, तो जो इसकी रूट्स हैं या इसकी स्टेम है वो ड्राई होने लग जाती है, सॉफ्ट होकर मशी होकर ये जो है ख़राब हो जाता है, गल जाता है पौधा। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है, प्लांट की नीचे से गलना स्टार्ट हो रहा है, तो बेस्ट वे यही है कि फ्रेंड्स, इसको आप अगर मान लीजिए ये नीचे से ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको टॉप जो पार्ट सही है उसको कट कर दीजिए और उसको सॉइल में लगा दें, जो ठीक पार्ट है वेल ड्रेनेज वाली सॉइल में, तो ये वहीं से ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोपेगेट भी स्टेम के थ्रू कर जाता है, स्टेम कटिंग से ये बहुत इजीली प्रोपेगेट कर जाता है। फ्लावरिंग के बाद इसमें जो है सीड्स बनते हैं, और तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप इसको स्टेम कटिंग से लगा लें, तो ये बहुत जल्दी वहीं से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। पानी का इसका ध्यान रखिए कि इसकी रूट रॉट ना हो, स्टेम रॉट ना हो, वही इसका मेन डिजीज़ है। और ऑफ सीज़न में आप इसकी प्रूनिंग करके इसकी मैक्सिमम स्टेम्स लगा सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी फैल भी जाएगा।
इसमें फ्रेंड्स कॉमन वैरायटी तो इसकी रेड ब्लूम ही है, बट इसके अलावा ये गोल्डन येलो ब्लूम्स में भी अवेलेबल होता है, बट सबसे कॉमन वैरायटी तो रेड वाली है और फिर वेरीगेटेड वाली है। और बेस्ट फ्रेंड्स ये हैंगिंग बास्केट में ही अच्छा लगता है, या फिर आप इसको ग्राउंड कवर की तरह यूज़ कीजिए। अगर आप इसे पानी नहीं भी देंगे तो ये ड्रॉट टॉलरेंट है, तो ये चल जाएगा उसके बिना भी। तो वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी सॉइल को भी ज़्यादा कुछ हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसकी रेगुलर ट्रिमिंग करते रहिए ताकि ये प्रॉपर शेप में रहे और मैक्सिमम ग्रो करे, मैक्सिमम फैले। जितना आप ट्रिम करेंगे उतना ही उसके आगे से दो और उसके आगे चार ब्रांचेस निकलेंगी। और विंटर्स में फ्रेंड्स इसका खास ध्यान रखिए, विंटर में जो है ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो उसकी सिर्फ ऐसे स्टेम्स रह जाती हैं, तो आप घबराएं नहीं, उसको ऐसे ही लगा रहने दें। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो उसमें से न्यू शूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उस केस में आप उसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, या फिर उसको आप कट करके उस स्टेम को अलग लगा दीजिए तो वो वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स आप भी इस प्लांट को लगाइए अपने फ्रेंड से या नर्सरी से, इसकी कटिंग ले ला सकते हैं आप और इसको लगा लीजिए, बहुत अच्छा और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। That's all from my side, friends. If you like my video, please press the like button and share it with your friends. Also, please subscribe to my channel, Nature Desires. Thank you. Have a nice day.